अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं, अरविंद केजरीवाल उनके बच्चों के गार्डियन हैं, जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके बुजुर्गों को अच्छा इलाज देते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका किया तो पूरी दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, चाहे वो मोतीनगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है। और भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भी जब हमलावर पर जांच होगी, दिल्ली पुलिस की भी जांच में यही निकल कर आएगा कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था। मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन यह हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करो, चाहे अपनी गंदी राजनीति से उनको हमला कराने की कोशिश करो, तुम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाओगे। दिल्ली वाले भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को ही चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये गंदी राजनीति बंद करो।